नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट मिथुन राशि वालों सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है 17 अक्टूबर शनिवार 2020 को और सूर्य अभी तक कन्या राशि में विराजमान थे अब यहां से निकलकर तुला राशि में आएंगे तुला राशि जो नीच की राशि है सूर्य की अब यहां पर आ तो जाएंगे साथ ही इस दिन शारदीय नवरात्र भी आरंभ हो रहा है और सूर्य संक्रांति भी इसी दिन है वैसे तो शारदीय नवरात्र एक माह लेट से शुरू हो रहा है लेकिन दूसरी बात क्या है मलमास था ना अब सूर्य का ये परिवर्तन आप मिथुन वालों के जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा देखिए सबसे पहली बात तो ये जान लें कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य जब तुला में आएंगे तो वक्री बुध यहाँ पर पहले से विराजमान है दूसरी बात अंठावन साल के बाद शनिदेव देवगुरु का दुर्लभ योग भी बन रहा है और आप मिथुन वालों सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा पंचम भाव में सूर्य के आने से वैसे तो शनिदेव की सीधी दृष्टि है सूर्य पर लेकिन आपके घर परिवार की समस्त समस्याओं का समाधान भी निकलेगा आपकी बात हर कोई मानना चाहेगा आपकी वाणी का वेट बढ़ेगा हर जगह आपका दबदबा कायम होगा लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा आपके जीवन में जो लंबे समय से आपकी बीमारियां, आपका स्वास्थ्य प्रॉब्लम था वो भी समाप्त होगा और सूर्यदेव अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी संपत्ति को लेकर कोई मामले चल रहे हैं उसका हल भी निकालते नजर आएंगे तो कन्या वालों के लिए सूर्य का ये परिवर्तन बड़ा खास है आइए जानते हैं विस्तार से देखिए सूर्य आपके जो यहाँ पर पंचम भाव में आ रहे हैं प्रेम बुद्धि संतान का भाव है और सूर्य देव का मिथुन राशि वालों यहाँ पर आने से अच्छा तो है लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा गड़बड़ है कहाँ पे गड़बड़ है क्योंकि देव की सीधी दृष्टि है अब सनी देव जहाँ देखेंगे वहाँ तो बिसी होगा वहाँ तो नासी करेंगे ऐसे में क्या करें कैसे बचें यहाँ पर सूर्य के आने से क्या होगा ना कि देखिए अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो तृतीय भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर पंचम भाव में हैं तो दुर्लभ अवस्था में हैं आपके इसका मतलब है कार्य क्षेत्र में आप प्रयास करेंगे लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपके दिशा भटक जाएगी जिसके कारण परेशानी बढ़ेगी अब ऐसे में सिर्फ इतना ही नहीं अब यहाँ अगर किसी सीनियर का साथ लेते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं तो यकीन आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आपके अंदर जो हुनर है जो टैलेंट है उसके लिए आप कोई अच्छा करियर बनाएं किसी और फील्ड में जाएं, तो देखिए यहाँ पर आप साइड से ही काम कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए समय बहुत अनुकूल है लेकिन इस समय यात्रा वगैरह मत कीजिएगा क्योंकि यात्रा में लाभ तो होने से रहा हानि जरूर होगा तो यात्राएँ टाल दें पर्सनल लाइफ में इस समय आपके जो भाई बहन हैं खासकर छोटे भाई बहन उसके साथ आप समय बिताइए लेकिन लोगों की बातें सुने पर कुछ बोलने से बचें क्योंकि थोड़े बहुत यहाँ पर मतभेद जैसी चीज़ें हैं हालांकि गलतफहमी वगैरह है उसको आप दूर कर सकते हैं तृतीय भाव आपके संचार क्षमता के बारे में भी बताता है और यहाँ सूर्यदेव आपके लव रिलेशनशिप जीवन साथी के साथ जो भी आप बातें करेंगे आपको लगेगा जैसे आप रिश्तों को बेहद क्लियर नहीं कर पा रहे कुछ बोलना और चाह रहे हैं कुछ और बोल दे रहे हैं लोग कुछ और सुनना चाह रहे हैं अब ये चीज़ें कहीं रिश्तों में उतार चढ़ाव ना ला दे इसका आपको ध्यान रखना होगा वैसे अगर आप चाहते हैं अपने दिल की बात शेयर करना तो सामने से ना बोलकर आप उनसे चैटिंग कर सकते हैं आप आ, संचार का सहारा ले सकते हैं अब यहाँ पर वक्री बुद्ध भी साथ में हैं संचार के मालिक तो यकीन संचार से सहायता लेंगे तो आपकी यहाँ पर समस्त चीज़ें पूरी होंगी क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी हैं और दुनिया भी नहीं आएंगी रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा अब मान लेते हैं जीवन साथी से झगड़े हो गए आपके लव से किसी बात को लेकर टेंशन है तो संचार का सहायता लीजिए सॉरी कहें अब स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में खासकर अपने पेट का ख्याल रखें क्या खा रहे हैं क्या कर रहे हैं इसका ध्यान दें और योगाभ्यास करते रहें गायत्री मंत्र पढ़ें ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाइए रविवार के दिन संभव हो तो गाय को गुड़ या फिर आप किसी मंदिर में रखाएँ थोड़ा सा गुड़ या गेहूँ आपको लाभ होगा हर हर महादेव फिर मिलेंगे धन्यवाद